जय हिंद साथियों, वेलकम है आपके अपने परिवार कॉम्प्लस के अंदर। तो आइए, आखिरी मौका यानी कि ये आखिरी मौका किसका है ईसीसी एजुकेटर लगने का, अच्छी तरह से इस वीडियो को 2 मिनट के लिए देखिएगा। और ऐसा मौका पहली बार हुआ है, यानी ये तो आपको कंफर्म हो गया कि स्टेट के अंदर अगर किसी भी स्टेट में अगर गवर्नमेंट भर्ती आती है, परमानेंट भर्ती आती है, और नई शिक्षा नीति के अंदर भी आपको साबित हो चुका होगा कि ईसीसीई का डिप्लोमा ही मान्य होगा, यानी कि केंद्र सरकार से वो मान्य वो डिप्लोमा होना चाहिए। भाई वैसे तो डेट आपको पता चली गई थी, लेकिन एक मौका मिला है कि अगर अभी भी कोई भी माता बहन चाहती है कि मैंने परमानेंट भर्ती में जॉब लगना है और मुझे डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर ना निकलना पड़े, तो अच्छा मौका है NIOS बोर्ड से ये ECCE का डिप्लोमा करने का, बिल्कुल जायज फीस के अंदर। और यहां पर आपको ₹150 लेट फीस देनी पड़ेगी, यानी कि 15 सितंबर तक। ये मौका अच्छा आया भाई, लेट फीस मात्र 150, यानी इस 150 की वजह से आप अप्रैल में एग्जाम दे सकते हो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा उसके बाद 2026 में भाई। तो अगर किसी ने ECCE का ये NIOS बोर्ड का सरकारी डिप्लोमा करना है भाई, चाहे कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जरूर करें भाई। आप एंटिटी के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि ECCE एजुकेटर के नाम से भर्ती आएगी और ECCE वहां पर मान्य होगा और बाकियों को वहां से निकाल दिया जाएगा। अभी भी मौका है, आप इसको कर सकते हो, घर बैठ के कर सकते हो, बस पेपर देने 3 दिन आपने घर से बाहर जाना है। और अगर हमारे पास करते हो भाई, तो आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, जिसको ट्रस्ट है भाई, जायज फीस के अंदर घर बैठ के आपको क्लासें मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, आपको पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर जो भी प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, आपके तैयार करवाए जाएंगे, और फेल की नो टेंशन भाई, सारी फैसिलिटी, यानी ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि फेल का तो कोई नाम भी नहीं है। तो ये मौका है एक करने का। और इसी के साथ ही भाई, अगर योगा का और फायरमैन का आपने सरकारी डिप्लोमा करना है NSQF के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसके भी एडमिशन चल रहे हैं, मात्र 2 महीनों के अंदर आप इस डिप्लोमे को भी पूरा कर सकते हो घर बैठ के भाई। तो ऐसे अपने परिवार के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।